आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री स्टडी है क्योंकि आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे शिंजो आबे की बायोग्राफी ऑफ शिंजो आबे दोस्तों मैं बहुत कुछ आपको बताऊंगा जापान का इतिहास मैंने कवर किया है जापान के बारे में भी हम बताएंगे जापान आप मेजी रेस्टोरेशन पे लेक्चर देखिएगा भारत का दोस्त है जापान दोस्त क्या बहुत अच्छा दोस्त है जिगरी दोस्त है लगातार 2014 से हमारी दोस्ती बहुत गहरी होती जा रही है जापान हमारी मदद करता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स में, शिंकनसेन प्रोजेक्ट हमने साइन किया बुलेट ट्रेन में जापान ने हमको लोन दिया है और एक बहुत ही पीसफुल फ्रेंडली डेमोक्रेटिक नेशन है शिंजो आबे को एक रिव्यनिस्ट कंजर्वेटिव बोला जाता है येट वेरी प्रैक्टिकल एंड वेरी प्रैग्मेटिक लीडर यूनाइटेड नेशंस ने तो यह बोल दिया है ना कि जापान को एक मॉडल बना दिया है कि दिस इज मॉडल ऑफ पीस किसी देश को अगर होना है तो ऐसा हो लेकिन अगर आप जापान का इतिहास देखें तो पहले तो ऐसा था नहीं जापानियों ने जो बर्बरता की है पूरी एक लाइन से शुरू हुआ पूरी दुनिया की बैंड बजाता गया लेकिन आज जापान जो है देखिए कितना डेवलप्ड है जापान के पास कुछ नहीं है It, it, मतलब द कंट्री डेव एनी थिंग जापान के पास रिसोर्सेस नहीं है गैस के भंडार नहीं है तेल नहीं है अरेबल लैंड नहीं कुछ भी नहीं है उसके बावजूद एशिया का डेवलप्ड नेशन है इनकी करेंसी इतनी पावरफुल है करेंसी बास्केट में डॉलर पाउंडीसरी सबसे ताकतवर करेंसी फॉरन एक्सचेंज य होता है और इसमें बहुत बड़ा रोल शिंजो आबे ने प्ले किया है और अब शिंजो आबे ने रिजाइन कर दिया दोस्तों इस लेक्चर में हम बहुत कुछ जानेंगे हो सकता है लेक्चर ये लंबा हो जाए जब कुछ लोगों ने कंप्लेन करते कि सर थोड़ा सा बायोग्राफी ज्यादातर मेरी आधे घंटे की पहले तो एक एक घंटे की होती थी दो पार्ट में अब तो मैं एक ही पार्ट में करता हूं कोशिश करता हूं मतलब थोड़ा सा जो ड्यूरेशन है वो कम रहे लेकिन ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि मैं इसमें आपको बहुत कुछ समझाऊंगा शिंजो आबे का जो कार्यकाल था वो कैसा रहा भारत के साथ इनके संबंध कैसे रहे

जापान की कोई खुद की फोर्स थोड़ी ना बहुत कम फोर्स है इनकी तो ये सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं तो शिंजो आबे की बायोग्राफी अब दोस्तों आप लोगों ने मुझे इतना बोला इंस्टा पे आ सर, इंस्टा पे पे आ आ जाइए जाइए सर तो अब मैं इंस्टा पे आ गया हूं अब जाओ और फॉलो करो बहाना मत बनाना अब इतना बोला है फॉलो करो और वहां पर भी अपने सवाल पूछो अभी मैं थोड़ा सा आ, क्या कहते कि अभी तो सवालों का जवाब नहीं दूंगा लेकिन चार पांच दिन बाद से मैं सवाल के जवाब देने शुरू कर दूंगा तो जाओ फटाक से फॉलो करो यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं आप इकतीस अगस्त तक इसको आप अवेल कर सकते हैं और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दस हजार के करीब सब्सक्राइबर्स हैं आप यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं ये पहले वर्ल्ड मैप देख लो और ये है आपका जापान ठीक है दिख रहा है ना जापान अभी मैं जापान का आपको प्रॉपर मैप भी दिखाऊंगा जापान की बात करें तो जापान के इतिहास को तो वैसे मैंने कवर किया है जापान के पास कुछ भी नहीं है अपना इनके पास कुछ नहीं है पहले जापान की थोड़ी बुराई सुनिए बुराई क्या ज्योग्राफिकल लोकेशन इनकी ऐसी है ना इनके पास कुछ है ही नहीं सबसे करीबी कंट्री आप रशिया देख रहे हैं जापान तो एक मैरिटाइम बॉर्डर शेयर करता है ना जापान बेसिकली एक है। है, हूं ये देखिए जापान में जो मेन चार आइलैंड है लेकिन वैसे आपको बहुत छोटे छोटे हजारों आईलैंड मिलेंगे जापान में दोस्तों रिसोर्सेस ही नहीं है दस परसेंट खाली अरेबल लैंड है पचास हजार स्क्वायर किलोमीटर जहां भारत के पास लाखों लाखों स्क्वायर किलोमीटर के अरेबल लैंड हैं इनके पास का पचास हजार किलोमीटर भी नहीं है बहुत कम एरिया है इनके पास जिसमें ये खेती कर सकते हैं इनके पास नदियां नहीं है पूरा एरिया समुद्र से घिरा हुआ है ये रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशन देख रहे हैं ना ये रिंग ऑफ फायर में आता है ढेर सारे वॉल्केनो मिलेंगे इनफैक्ट दस परसेंट जापान के वॉल्के एक्टिव है कभी भी रट हो सकते हैं भूकंप हमेशा आते रहते हैं ये टेक्टोनिक प्लेट्स ये ऐसी ज्योग्राफी मैंने बताया था ना देखो अगर आपको अर्थक्वेक के बारे में जानना है तो मेक्सिको वाला लेक्चर मेक्सिको में अभी जो अर्थक्वेक आया था वो देख लो वहां पे मैंने बताया अर्थक्वेक आता क्यों है तो ज्योग्राफिकल पोजिशन ऐसी है कि यहाँ पे भूकंप आता रहता आम बात है जापान के लिए अभी फुकुशिमा पावर प्लांट था ना कब दो में हुआ था शायद मैं थोड़ा डेट भूल गया आप देख लीजिएगा कि जब भूकंप आया था पूरा न्यूक्लियर वेस्ट बाहर निकलने लगा था कितनी बड़ी खतरनाक कंडीशन आ गई थी जापान के लिए तो भूकंप यहां पे आता रहता है साथ ही साथ जापान में सत्तर परसेंट माउंटेन है सत्तर परसेंट माउंट फुजियामा भी आपको यही मिलेगा वर्ल्ड हेरिटेज साइट उसको घोषित किया हुआ है वो भी ज्वालामुखी है बहुत ही खूबसूरत एक टूरिस्ट स्पॉट है हालांकि बहुत है वो फटा नहीं है, ना ही फटे तो यहां पे आपको माउंट फुजियामा भी मिलेगा और सत्तर परसेंट यह माउंटेनियस रीजन है तो जापान में कुछ है ही नहीं बहुत मुश्किल रहना बहुत मुश्किल है यहां पे अब आप बोलेंगे सर जापान में कुछ नहीं तो इतना डेवलप्ड इतना ज्यादा डेवलपमेंट ऐसा कैसे पूरी दुनिया को लोन बांटता फिरता है जापान जापान की इंडस्ट्रीज पूरी दुनिया में नंबर वन है आप समझ रहे हैं? जापान में भर भर के इन्वेस्टमेंट होता है ट्रेड में जापान नंबर वन भारत का भी सत्रह बिलियन डॉलर का ट्रेड रिलेशंस है जापान के साथ बायोलेटरल रिलेशंस बहुत ही जबरदस्त हैं गजब की फॉरेन पॉलिसी है जहां के लोग बहुत ही पर कैपिटल इनकम अच्छी खासी है आपको बता दूं वैसे जापान की अगर पॉपुलेशन की बात करें तो आपको लग रहा होगा कि जापान में पॉपुलेशन कम होगी लेकिन बिल्कुल भी नहीं जापान आई थिंक नहीं नहीं मोस्ट मोस्ट पॉपुलस पॉपुलस कंट्री यस एट एलेवें बारह करोड़ की यहां पे पॉपुलेशन है तो ऐसा क्यों लोग यहां के लोग यहां के इतने मेहनती हैं इतने ज्यादा मेहनत करते हैं एक तो कास्ट सिस्टम नहीं है भारत की अगर बात करें तो यहां पर रिलीजन कास्ट पॉलिटिक्स बहुत होती है लोग डिवाइड रहते हैं मुश्किल रहता है कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं कई बार तो डेवलपमेंट में बाधा आती है जापान में ऐसा कुछ है ही नहीं जापान में है 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 फॉलो किया जाता है, हर कोई एक जैसा और इसीलिए जापान की अगर बात करें तो जापान में दोस्तों क्या है ना कि जापान एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है जापान पहले क्लोज्ड इकॉनमी था ये मैंने बताया जब इतिहास कवर किया जापान एक बहुत क्लोज्ड इकॉनॉमी था जापान में

सठ में जापान ने बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट डील साइन की ओईसीडी जी सब में आ गया यूनाइटेड नेशंस में आ गया सब में जापान आ गया और जापान ने बोल दिया कि 1965 में योशिडो इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है ना इन्होंने बोल दिया कि हम कभी जिंदगी में वॉर नहीं करेंगे इनकी पार्लियामेंट को दियत बोला जाता है डी आई समझ गए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जापान सेकेंड रैंक पे है सिंगापुर के बाद एशिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी में जापान सेकेंड रैंक पे है यहाँ के लोग इतने मेहनती है ट्रेन लेट हो जाए एक सेकेंड ट्रेन लेट हो जाती है जवाबदेही बन जाती है पंचुअलिटी में नंबर वन गजब का पानी की वेस्टेज नहीं होती जापान में पानी यहाँ पे पीने को नहीं है ना ड्रिंकेबल वाटर नहीं है चारों तरफ से तो समुद्र में समुद्र से गिरा हुआ है बहुत डेवलप्ड यहाँ के लोग बहुत 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 मेहनती हैं जापान के लोग और भारत को बहुत प्यार करते हैं यहाँ के लोग बहुत अच्छे रिलेशन है आप जाइए जापान बड़ा मजा आएगा ये ओकी है यहाँ पे मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जापान किसी भी बाउंड्री तो शेयर नहीं करता लेकिन रशिया से मेरी टाइम बाउंड्री हालांकि बहुत सारे देशों से शेयर होती है रशिया है है आपका ये आपका ईस्ट सी सी जिसको ऑफ जापान बोला जाता है है थोड़ा सा नीचे आएंगे तो इधर चाइना सी आ जाएगा जो बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग रीजन है। जापान की किससे नहीं बनती है कोरिया से नहीं बनती है कोरिया से क्यों नहीं बनती है क्योंकि देखिए जापान के हिस्टोरिकल विवाद है ठीक है चाइना से हिस्टोरिकल विवाद है चाइना पे क्या भयानक बर्परता की थी जापान आपको पता ही है चाइना के लोगों को जिंदा गाड़ दिया था जापान ने गड्ढा खोदा लोगों को डाला आग लगा जापानीज वॉर दोस्तों उसमें रशिया तक को हरा दिया था जापान ने लेकिन उसके बावजूद 1945 के बाद जब न्यूक्लियर अटैक हुआ जापान तो उसने सब कुछ त्याग दिया ये जापान के बारे में मैंने पूरा बता दिया समझ गए शिंजो लेकिन चार डिवा, डिवाइड में है, एक है होकाईडू, ये होकाईडू, ये वाला एरिया होकाइड उसके बाद आता है सबसे बड़ा आइलैंड जापान का होन्सू होन्शु में ही आपको टोक्यो मिलेगा और उसके बाद आपका ये आता है ठीक है ये वाला एरिया क्योशू है एंड देन ये वाला एरिया आपका शिकोकू तो बेसिकली चार आइलैंड, चार सबसे बड़े आइलैंड वैसे तो जापान में हजारों आइलैंड की, की तो जन्मे में में है एक बहुत गजब की इनकी फैमिली रही है काफी अमीर परिवार में इनका जन्म हुआ है पहले मैं जापान की पॉलिटिक्स के बारे में थोड़ा बता देता हूं देखो जापान की खुद की आर्मी है नहीं जापान जब 1945 में जापान के ऊपर अटैक किया था अमेरिका ने न्यूक्लियर अटैक फैट मैन और लिटिल और हिरोशिमा पे तो अमेरिका ने उसके बाद जापान को जापान का हाथ थाम लिया जापान को बोला कि देखो परेशान मत हो क्योंकि उसको रशिया को काउंटर करना था मतलब सोवियत को काउंटर करना था तो जापान बहुत इंपॉर्टेंट था अमेरिका के लिए तो अमेरिका ने बोला तुम बिल्कुल परेशान मत हो हमसे गलती हो होगी हम इसका प्राश्चित करेंगे अमेरिका ने यह बोला कि तुम्हारे ऊपर कभी भी अटैक होगा हम तुम्हारी मदद करेंगे तुमको अपनी आर्मी बनाने की जरूरत है ही नहीं तुम अपनी आर्मी नहीं बनाओगे आर्टिकल नाइन है ना तुम अपनी आर्मी नहीं बनाओगे जापान जापान अप अमेरिका, तो अमेरिका उसी वक्त पहुंच के चाइना को निस्तरण नाबूद कर देगा लेकिन जापान नहीं कर सकता ना ना अमेरिका पे अगर हमला होता है तो जापान नहीं बचाएगा ये बाध्य नहीं है जापान इसके लिए अमेरिका बचाएगा जापान को लेकिन जरूरी नहीं है कि जापान भी बचाए एग्रीमेंट में जापान के लिए कुछ नहीं लिखा है और इसलिए डोल्ड ट्रम्प भड़क गए थे कि एग्रीमेंट बकवास है हम तो जापान को बचाएं और जापान हमको ना बचाए तो इसीलिए जापान जापान देखो को अपनी मिलिट्री मेंटेन करनी नहीं है तो उसने अपना पूरा इसलिए इकोनॉमी इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे लगा दिया अब अगर भारत की बात करें तो इधर हमको चाइना को देखना है इधर पाकिस्तान को देखना है ये सारी चीजें हमको देखनी, देख के चलनी है तो हमारा एक बहुत बड़ा चंक जो है वो मिलिट्री में जाता है लेकिन जापान को सब देखना नहीं है आप समझ गए तो जापान की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहां की सबसे बड़ी पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और शिंजो आबे जो है इसी पार्टी से ही आते हैं अब दोस्तों अगर इस पार्टी की बात करें तो दो पार्टियां वैसे डेमोक्रेटिक और लिबरल डेमोक्रेटिक दो पार्टी में ही वैसे तो बहुत सारी है जापान में सोशलिस्ट पार्टी भी एक बार सत्ता में रही है लेकिन मेन दबदबा लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का ही रहा है शिंजो आबे भी इसी से ही आते हैं अगर मैं सही हूं तो एक बार नाइनटीन से लेकर नाइनटीन तक और 2000 2008 से लेकर 2012 तक तभी बस यही दो टाइम ऐसा रहा है एलडीपी जो है वो पावर में नहीं रही आप थोड़ा सा डेट चेक कर लीजिएगा लेकिन शायद ये है देखिए इतनी सारी चीजें मेरे दिमाग में रहती है ना इतना कुछ पढ़ लिया है कि कभी कभी थोड़ा डेट इधर उधर हो जाती है तो जहां मुझे थोड़ा डाउट रहता है तो मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो आप थोड़ा सा देख लीजिएगा भाई डेट्स को लेकिन यही है जहां तक है बस इसी टाइम में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं रही थी बाकी हमेशा से लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी रही है शिंजो आबे के जो पिताजी हैं वो फॉरेन मिनिस्टर रहे हैं बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर रहे हैं और शिंजो आबे के पिताजी का जैसे ही देहांत हुआ शिंजो आबे ने अपने पिताजी की सत्ता को संभाला शिंजो शिंजो आबे आबे के दादाजी राजा रहे रहे हैं इनके परदादा जनरल की जो माता है योको किशी वो नोबोसू के किसी मतलब इनके दादाजी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं जापान के उन्नीस सो सत्तावन से लेकर उन्नीस सौ साठ तक योगो, नोबो सुके कीशी को गिरफ्तार कर लिया गया था वॉर क्राइम्स जापान ने वॉर क्राइम्स किए थे उन्नीस सौ पैंतालीस तो उनका गिरफ्तार बाद में उनको छोड़ दिया गया था और नोवोसू के ही लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी बनाई तो एक तरीके से जापान में भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स है राजा का बेटा राजा ही बनेगा ये जापान में भी ठीक है नेपोटिज्म आपको जापान में भी देखने को मिलेगा फिर एजुकेशन देख लीजिए एजुकेशन तो चलिए क्या आप देखिए शिकाई एलिमेंट्री स्कूल से इन्होंने पढ़ाई की अरे यारी क्या हो गया शिकाई एलिमेंट्री स्कूल से पढ़ाई की फिर ग्रेजुएशन किया बैचलर डिग्री ली 1977 में फिर अमेरिका चले गए अमेरिका से पढ़ के लौटे उसके बाद थोड़ा इन्होंने एक स्टील कंपनी में कोबो स्टील थी शायद उसमें जॉब की और फिर ये पॉलिटिक्स में आ गए है ना उन्नीस से लेकर उन्नीस तक इनके पिताजी नहीं उन्नीस तक इनके पिताजी फॉरन मिनिस्टर रहे इनके दादाजी की पार्टी है डेमोक्रेटिक पार्टी इनके दादाजी ने बत, बनाई बाद में एलडीपी बन गई लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी तो इनको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं

ठीक है और 2006 में ये लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रेसिडेंट हो गए इनको पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया और 14 जुलाई 2006 में ही वॉज इलेक्टेड एज दी प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जब इलेक्शन हुए डेमोक्रेसी जापान में इलेक्शन हुए बावन साल की उम्र में यंगेस्ट है वैसे आपको बता दो शिंजो आबे जो है इनका टेनवर जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है शिंजो आबे अभी तक सबसे ज्यादा समय तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं अभी हम उसकी बात करेंगे फिलहाल तो शिंजो आबे प्रधानमंत्री हो गए बावन साल की उम्र में चुन के आ गई है बावन साल के यंगेस्ट थे फूमी मारो कोनियो के बाद ये यंगेस्ट थे उसके बाद एक नया जो आ, हम देखते हैं एक नया सिलसिला जो है वो शुरू हो गया 2006 में चुन के आए 2007 में इन्होंने रिजाइन कर दिया इन्होंने रिजाइन कर दिया और लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हट गई ऐसा इसलिए भी था देखिए इनके ऊपर काफी उस समय स्कैंडल्स हुए थे और जिसमें आबे का नाम आ रहा था साथ ही साथ शिंजो आबे के बारे में यह भी बोला जा रहा था कि अफगानिस्तान को बहुत सपोर्ट कर रहा था देखो अमेरिका अफगानिस्तान में घुस गया और जापान भी इसको सपोर्ट कर रहा था तो यह भी एक बहुत बड़ा कारण बताया जा रहा था लेकिन शिंजो आबे ने बताया लेकिन बाद में यह पता चला कि इन्होंने रिजाइन जो है वो अल्सरेटिव की वजह से किया अभी भी इन्होंने रिजाइन अभी शिंजो आबे ने रिजाइन कर दिया है उन्होंने क्यों रिजाइन किया है इसी बीमारी की वजह से यह क्रॉनिक डिजीज है इनको बचपन से है

दो सौ चौरानवे सीट से सी जीती चार सौ अस्सी सीटों में से और जो इनकी इन्होंने कॉलिशन बनाया बेसिकली उस समय पार्टी से और उस समय शिंजो आबे 2012 में दोबारा चुनके आ गए सेकेंड टाइम ये चुन चुनके आए टू में और फिर इन्होंने इकॉनमी को रिवाइव करना शुरू किया अब दोस्तों इन्होंने एरोज लॉन्च किए फर्स्ट एरो सेकेंड एरो थर्ड एरो ये बेसिकली स्टेप्स थे कि इकोनॉमी को कैसे

दिख रही थी और उसके बाद 2014 के बाद जब दोबारा चुन के आए सेकेंड टाइम चुन के आए तब इन्होंने और पॉलिसी की जिसको बोला जाता है। इनकी foreign policy बहुत बढ़िया रही है और 2015 से लेकर उसके बाद अभी तक सब कुछ ठीक है जापान में ठीक ठाक चल रहा है दिक्कतें लेकिन सही चल रहा है, इनकी जो है, वो काफी रही है। जिसको एबिनोमिक्स भी बोला जाता है कि हम मदद करने वाले हैं। और अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो फॉरेन पॉलिसी तो इनकी जबरदस्त रही ही है भारत से गजब के रिलेशन रहे हैं भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है मनमोहन सिंह के समय से ये फॉरेन पॉलिसी कमाल की मनमोहन सिंह गजब के एक लीडर थे वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं वो आप देखिएगा उनकी बायोग्राफी तो मनमोहन सिंह के समय में अमेरिका से रिश्ते सुधरे और जापान के जब देखिए जब जब शिंजो आबे रहे हैं ना तब तब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे रहे जापान से शिंजो आबे आए भारत मनमोहन सिंह

वर्ल्ड वॉर टू के दौरान जब कोरिया पे कब्जा किया जापान ने जापान ने पूरे एशिया पे कब्जा कर लिया था ना एशिया इन द सेंस की ये जो साउथ साउथ ईस्ट नेशन है उसमें पूरा कब्जा जो है वो जापान का था ये मैंने कई बार बताया है पर लगे वीडियो लिया आप देख लीजिएगा तो उसमें क्या था कि कोरिया से औरतों को उठा लेता था जापान जो कोरिया में औरतें रहती थी, थी ना उनको उठा के बड़े बड़े जो जापान के ऑफिसर्स होते थे वो फिर औरतों के साथ गलत व्यवहार करते थे आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं जिनको कंफर्ट वुमेन का नाम दिया गया ऐसे होटल्स टाइप के बड़े बड़े ब्रॉथल्स होते थे और ये जो अपनी अयाशी के लिए जापान के बड़े बड़े लीडर्स हैं औरतों को एक्सप्लॉयट करते थे और इसमें औरतों की मर्जी नहीं होती थी लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था तो कोरिया का वैसे ही तो जापान ने शिंजो आबे ने बाकायदा इसपे माफी मांगी है शिंजो आबे ने इन सारी जो हिस्टोरिकल ब्लैंडर हुई है इसपे बोला है कि गलत है और पूरी दुनिया ने शिंजो आबे का पीठ थपथपाई है कि बहुत अच्छी बात है तुमने ये बात मानी तो कम से कम समझ रहे तो फॉरेन पॉलिसी बहुत बढ़िया और शिंजो आबे हमेशा से चाइना का स्टांस जापान के लिए बहुत अच्छा नहीं है लेकिन शिंजो आबे ने बोला है कि मैं तो बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूं 2018 में बकायदा चाइना कोरिया कोरिया और इधर नॉर्थ की बात नहीं कर रहा हूं मैं चाइना को, साउथ कोरिया और इधर जापान की मीटिंग हुई थी तीनों की मीटिंग हुई थी तो जापान की फॉरेन पॉलिसी कमाल की रही है उसके बाद जापान का एक और बहुत बड़ा देखो शिंजो आबे ने बोला था शिंजो आबे काफी डी रेगुलेशन में विश्वास करते हैं है कंजर्वेटिव रिव्यनिस्ट है कंजर्वेटिव बट स्टिल एक बहुत ही प्रैक्टिकल लीडर है हालांकि टीपीपी ट्रांस पार्टनरशिप इफेक्ट में नहीं आ पाई क्योंकि अमेरिका विड्रॉ कर गया था ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम डोनाल्ड ट्रंप का देखिए डोनाल्ड ट्रंप का अजीब गरीब रवैया रहा है आर्टिकल नाइन को भी लेके डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि जब डोनाल्ड ट्रंप आए पावर में तो ये बोलते थे कि अच्छा आर्टिकल नाइन में जापान अपनी आर्मी बना नहीं सकता डिफेंस फोर्सेस बना नहीं सकता बहुत कम है डिफेंस फोर्सेस जापान की डिफेंस बजट है नहीं इनका तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला अच्छा अगर जापान के ऊपर हमला होगा तो हम मदद करेंगे हमारे ऊपर हमला होगा तो जापान मदद नहीं करेगा ये कैसा एग्रीमेंट है तो जापान का मूड खराब हो गया जापान ने बोला कि अब आर्टिकल नाइन में मॉडिफिकेशन करेंगे और जापान ही करने में कामयाब हो गया अब उसने अपना डिफेंस बजट बढ़ा दिया देखो एक चीज समझ लो जापान अगर अपनी आर्मी बनाना शुरू करेगा ना तो पूरी दुनिया की बैंड बजा देगा हमको ये चीज समझनी जापान अभी पीस के रास्ते पे है जापान ने जब जब अपनी आर्मी बनाई है उसने बहुत भयानक तरीके से वर्चस्व स्थापित किया है उसके सामने कोई नहीं टिका ये लोग तो टेक्नोलॉजी के मामले में इतने आगे इस समय उस समय तो चलो कन्वेंशनल वॉर लड़ा जाता था लेकिन अभी तो टेक्नोलॉजी का जमाना है ना तो जापान सोचे क्या कहां कहां कहा से कैसे कैसे वेपन बना लेगा पता ही नहीं समझ ही नहीं आएंगे कौन किसको उड़ा दिया तो जापान को ऐसे हमको नहीं लेना चाहिए जापान अभी पीस के रास्ते पर तो उसको वहीं चलने दो अगस्त में जापान मतलब शिंजो आबे जो हैं वो देश के सबसे लंबे समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे अगस्त में इन्होंने अपने ही अंकल का इसाको साटो का रिकॉर्ड तोड़ दिया लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रहे अब दोस्तों भारत और जापान के रिश्ते की बात कर लेते हैं देखो अगर हम शिंजो आबे की बात करें जब जब शिंजो आबे आए हैं तब तब हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हुए हैं इसकी शुरुआत दोस्तों 2001 से ही हो गई थी जब हमने ग्लोबल पार्टनरशिप जापान को अपना ग्लोबल पार्टनर बना लिया था शिंजो आबे 2006 में भारत आए मनमोहन सिंह ने इसकी शुरुआत कर दी थी और इंडियन पार्लियामेंट को इन्होंने एड्रेस किया 2014 से लेकर अभी तक शिंजो आबे तीन बार भारत आ चुके हैं 2014, 2015, 2017। दो में जो शिंजो आबे थे वो हमारे चीफ गेस्ट बने थे जब रिपब्लिक डे था ना दो का रिपब्लिक डे छब्बीस जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट बने थे पहले जापानी प्रधानमंत्री हैं जिनको चीफ गेस्ट बनाया गया था इससे पहले किसी भी जापानी प्रधानमंत्री को चीफ गेस्ट नहीं बनाया गया है और अभी तक जितनी बार ये भारत आए हैं ना सबसे ज्यादा बार यही भारत आए हैं मोस्ट विजिट एनी वर मेड आबे तो भारत इनको बहुत पसंद है और हमारे टाइज भी हैं सत्रह बिलियन डॉलर का हमारा ट्रेड एग्रीमेंट है हम इनसे ट्रेड करते हैं मतलब ट्रेड करते हैं यहाँ पे ट्रेडिंग पार्टनर है हमारा हमारी 2005 से लगातार बाई लेटर सब हो रही है 2014 से इसको एक्सेलरेट किया गया है हमने जापान से न्यूक्लियर डील भी साइन की हुई है जापान हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी मदद करता है बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है है उसमें भी मदद कर रहा है। आपको पता ही कि जापान ने हमको लोन दिया है अमेरिका फ्रांस के बाद जापानीज से हमने न्यूक्लियर डील साइन की है ना डिफेंस में भी भारत और जापान जो है वो लगातार मतलब हर साल जो एक्सरसाइज होती है मिलिट्री एक्सरसाइज वो करते हैं ओकिनावा पे और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 2017 में जापान अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के ऑफिशियल्स मिले थे यह सबसे अच्छी बात है एक नए वर्ल्ड बनाने के नए वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की, की तैयारी हो रही ताकि चाइना को काउंटर किया जा सके चाइना बहुत अग्रेसिवली बढ़ रहा है ना इधर चाइना पाकिस्तान रशिया रशिया भी अब चाइना की तरफ थोड़ा सा टिल्ट होते हुए दिख रहा है तो यहां पे इनको काउंटर करना बहुत जरूरी है तो इंडिया चाइना सॉरी इंडिया जापान ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका क्वाड आपको बता दूं कि क्वाड क्वाडो आबे क्वाड को रिवाइव करने में कामयाब रहे और हमारी तो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ही ठीक है पहले लुक ईस्ट था अब एक्ट ईस्ट हो गई है समझ गए तो बहुत इंपॉर्टेंट और जब इंडिया चाइना का स्टैंड ऑफ हुआ ना अभी 2013 2017 फिर अभी 2020 में तो जापान इंडिया के साथ खड़ा था जापान लगातार चाइना को क्रिटिसाइज कर रहा था कि गलत है और इंफ्रास्ट्रक्चर में तो खैर जापान हमारी बहुत मदद करता ही है हमारा strategic partner है। तो रिजाइन किया है तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है लेकिन कोई नहीं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की पार्टी ही भारत के लिए अच्छी है फिलहाल ये लेक्चर था आई होप आपको पसंद आया होगा मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो करें खुश रहिए पढ़ते रहिए सिद्धांत अग्निहोत्री सैनिकों